यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर काफ़ी बच्चे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि पेपर होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पेपर के बारे में सूचना है, सभी छात्र छात्राएं बिना परीक्षा के प्रमोट किए जा सकते हैं। इसके बारे में चीफ मिनिस्टर साहब 29 तारीख को बताएंगे आप लोगों को कि किस क्लास को प्रमोट किया जाएगा और किसको नहीं किया जाएगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, दसवीं की परीक्षा के लिए हुए हैं 29.94 लाख रजिस्ट्रेशन, 29.94 लाख रजिस्ट्रेशन हाई स्कूल के हुए हैं। परीक्षा होगी या बिना परीक्षा के ये प्रमोट हो सकते हैं। तो बता दें हम आप लोगों को कि लगभग हाई स्कूल को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन इंटर वालों के लिए ऐसी कोई सूचना नहीं है। इंटर वालों के लिए हम बता दें कि लंबे समय से यूपी बोर्ड दसवीं और बारहवीं की परीक्षा को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, मगर बोर्ड ने अभी तक कोई भी एग्जाम रद्द करने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। ऐसे में छात्रों को भी किसी भी सूचना पर आप विश्वास ना करें। किसी भी जानकारी पर केवल तब ही भरोसा करना चाहिए जब वह किसी बोर्ड अधिकारी या शिक्षा मंत्री द्वारा कही जाए। तो आप इधर उधर फेक न्यूज़ पर ध्यान ना दें और 29 तारीख को इसके बारे में चीफ मिनिस्टर के द्वारा बैठक होगा, उसमें आप लोगों के बोर्ड परीक्षा के बारे में क्लियर कर दिया जाएगा कि इंटर का होगा या नहीं होगा, लेकिन हाई स्कूल का लगभग उम्मीद है कि नहीं होगा। यदि हम बात करें स्नातक और परास्नातक की, तो इसमें स्नातक और परास्नातक के जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं इनका पेपर कराया जाएगा, और जो जैसे बात करें ग्रेजुएशन में BA BSc या BCom फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को प्रमोट करने की सिफारिश की गई है। प्रमोट नहीं किया गया है तो अपनी तैयारी करते रहें। जून के फर्स्ट वीक में इससे संबंधित सूचना आने की संभावना है, तो आप प्रिपरेशन करते रहें।